राजनीतिक हिंसाओं के लिए सुर्खियों में बने रहने वाला हुगली जिले का जंगीपाड़ा एक बार फिर रविवार हुई राजनीतिक हिंसा की वजह से पूरी तरह से अशांत हो गया। आरोप है कि रात के अंधेरे में भाजपा समर्थक मनोज राय पर हमला और घर में जम के तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप भाजपा की तरफ से टीएमसी पर लगाया गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मेघनाथ राय ने बताया कि 100 से अधिक टीएमसी बाइक वाहिनी ने मनोज राय के घर पर हमला बोला और उनके घर के सभी सामान को तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया। आरोप है कि पुलिस को फोन करके बुलाने पर पुलिस आने से आनाकानी करती रही। गंभीर रूप से घायल मनोज राय को श्रीरामपुर वाल्स अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए पुलिस पिकेट लगा दी गई है। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस कर्मी को तैनात किया गया है। वहीं टीएमसी ने इस तरह की घटना से टीएमसी ताल्लुक होने से साफ इनकार किया है। हुगली जिले के श्रीरामपुर नगर पालिका के 29 नंबर वार्ड में लंबे समय से बदहाल पड़ी एक सड़क के निर्माण और निकासी की व्यवस्था को दुरुस्तीकरण की मांग को लेकर कांग्रेसी नेता सत्यम सिंह के नेतृत्व में विद्यांचल भवन के निकट सत्याग्रह प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। सभा के मंच से कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बदहाल रास्ते को अविलंब बनाए जाने की मांग रखी और कहा कि यदि इस रास्ते को लेकर उदासीन बनी पालिका जल्द ही कुछ ठोस कदम नहीं उठाती तो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क मार्ग जाम करके आंदोलन पर उतारू होंगे। सभा के मंच से राज्य और केंद्र पर कोरोना, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, साग सब्जी की बढ़ती दरों को लेकर जम के प्रहार किया गया। रिसा नगर पालिका के 18 और 19 नंबर वार्ड के स्थानीय दो युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों के नाम अजय यादव और गोलू यादव बताया जा रहा है, जिनमें से एक की उम्र लगभग 18 वर्ष, दूसरे की 21 बताई जा रही है। अजय यादव टोटो चलाता था। स्थानीय युवा समाज सेवी टिंकू मिश्रा ने बताया कि रविवार को एक टोटो में सवार होकर दो मित्र स्नान करने के लिए रिसरा के सुरकी घाट गए थे। नहाने के दौरान नदी की तेज जलधारा में समाहित हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को काफी खोजबीन के बाद नदी से बाहर निकाला गया। आनन फानन में गंभीर हालत में दोनों युवकों को श्रीरामपुर वाल्स अस्पताल ले जाने पर दोनों युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। नमस्कार। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर सभी देशवासियों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। चलिए आज हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद।